हमने 60% लिए थे, 60 के 60% विद इन 15 डेज बिना साइड इफेक्ट के, बिना आईसीयू के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हमने ठीक किए हैं। तो सरकार की ओर से इसको प्रचार प्रचार करना चाहिए और सरकार की ओर से राज्य में होम्योपैथिक के जो गवर्नमेंट चिकित्सक है वो मात्र 184 है। जो आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर खोला गया है, तो सरकार भी और आमजन जो होम्योपैथी से ठीक होना चाहता है वो वहाँ पर एडमिट होके कम लागत में अच्छे से बिना साइड इफेक्ट के जल्दी रिकवर हो सकता है। गवर्नमेंट के सेक्टर में जब तक काम नहीं होगा लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता है। अगर ऐसे होम्योपैथी के लिए सरकार करें तो लोगों को कहीं कहीं फायदा मिलेगा। बड़े हॉस्पिटलों में जाने से डर रहे हैं और होम्योपैथी ईजी है और बिना साइड इफेक्ट की है, जल्दी रिकवरी करती है, इसका लीगल डाटा है अपने पास में, पेशेंट्स के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है कि आपकी दवाई हमको जल्दी ठीक कर रही है। नमस्कार, दैनिक में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपाली और आज हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है दैनिक में। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि इस वक्त कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह चल रही है, ज्यादातर लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में होम्योपैथी कोरोना को लेकर कितना कारगर है? आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी लगातार हम पिछले 1.5 वर्ष से 1 वर्ष से लोगों को बता रहे हैं। पिछले साल हमने राजस्थान के कोविड डेडिकेटेड सेंटर RUHS में कोविड पेशेंट पर ट्रायल भी किया है, ऑथेंटिक ट्रायल किया है और गवर्नमेंट ने भी उस ट्रायल को अप्रिशिएट किया है। हमने 60% लिए थे, 60 के 60% विद इन 15 डेज बिना साइड इफेक्ट के, बिना आईसीयू के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हमने ठीक किए हैं। तो ये बात बिल्कुल सिद्ध करती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान स्थिति सेकेंड वेव में कोविड में बनी है उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है और लगातार बहुत अच्छे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कम समय में बिना साइड इफेक्ट के कम लागत में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा अपना योगदान दे रही है, बस कहीं ना कहीं इसको सरकार को और लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है। होम्योपैथी बहुत ही कम समय में भी जल्दी ठीक हो जाते हैं लोग और पैसे भी इतने नहीं लगते हैं, उसके बावजूद होम्योपैथी के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है आपकी? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लगातार बता रहे हैं कि होम्योपैथी की जो दवाई है, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर की हो या सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर, कोविड जो पॉजिटिव है, जो क्रिटिकल है, माइल्ड, मॉडरेट और असिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको बहुत अच्छा ठीक कर रही है। ये मेरा 1 साल का व्यक्तिगत अनुभव है, हजारों केस कोविड के ठीक किए हैं। तो सरकार की ओर से इसको प्रचार प्रचार करना चाहिए और सरकार की ओर से राज्य में होम्योपैथिक के जो गवर्नमेंट चिकित्सक है वो मात्र 184 है। और आयुर्वेद के देखें तो आयुर्वेद के 8,000 में से 4,000 गवर्नमेंट में पोस्टेड है और होम्योपैथी के भी 8-9,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उसमें से पोस्टेड केवल 184 है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास सीमित संसाधन है, तो सरकार को संसाधन बढ़ाना चाहिए और होम्योपैथी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कोविड जैसी इस वैश्विक महामारी से जो लगातार लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बड़ा एलोपैथी हॉस्पिटलों में बड़ा महंगा इलाज होने के कारण से लोग नहीं कर पा रहे हैं और जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हैवी स्टेरॉइड ड्रग खाने से लोगों के हो रहा है। सर अभी आपने भी एक बहुत अच्छी पहल करी है, होम्योपैथी कोविड केयर हॉस्पिटल खोला है, तो उसमें किस तरह के मतलब गंभीर पेशेंट्स आते हैं या इनिशियल स्टेज से ही इलाज शुरू कर देते हैं वहाँ पे? आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान में पहला होम्योपैथी कोविड केयर सेंटर नायला, जो आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर खोला गया है। वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तक की सुविधाएं हैं वहाँ पे, और वहाँ पर असिम्टोमेटिक माइल्ड और मॉडरेट टाइप के जो कोविड पेशेंट हैं उनको भर्ती किया जा रहा है और जल्दी अच्छी रिकवरी हो रही है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो सरकार भी और आमजन जो होम्योपैथी से ठीक होना चाहता है वो वहाँ पर एडमिट होकर कम लागत में अच्छे से बिना साइड इफेक्ट के जल्दी रिकवर हो सकता है। देखो होम्योपैथी में जैसे एलोपैथी सिस्टम की कुछ लिमिटेशन है, अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट की कुछ लिमिटेशंस है, वहाँ जब तक पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं आता जब तक वहाँ ट्रीटमेंट चालू नहीं होता। जैसे अपन कोविड में देख लेते हैं, जब तक कोविड की जांच पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आती जब तक वहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है। और होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका इलाज है क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम सिमिलरिटी, जो शुरुआत में पेशेंट की प्रतिक्रियाएँ आती है, उसका लक्षण जो आते हैं उसके आधार पर मेडिसिन का चयन होता है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपने घर पर रहकर भी कोविड का इलाज करा रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। पिछले 2 साल में मैंने भी लगभग 2200-2300 के आसपास कोविड पेशेंट ट्रीट किए हैं, आराम से क्लिनिक पर आके दवाई ले जाते हैं और 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव 4-5 दिन में आ जाती है। तो बहुत अच्छा रोल है, जो घर पर रह के भी ठीक होना चाहते हैं किसी अपने निकटतम अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके अपने सारे सिम्टम्स बता के, अपनी सारी दिक्कत बता के आप दवाई लेके जल्दी ठीक हो सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। कोई होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, आपको साइड बेनिफिट से मिलेगा, तो इसलिए होम्योपैथी उपचार को अपनाना चाहिए। और इनिशियल स्टेज में जैसे किसी को कोरोना की
पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और फिर वो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करवाता है तो कितना समय लगता है ठीक होने में? 2 से 3 दिन में उसके सारे सिम्टम्स डिजोल्व हो जाते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बाद में अगर सेकेंड या थर्ड स्टेज में आता है जहाँ पर बहुत सारी एलोपैथी की हैवी स्टेरॉइड ड्रग खा के आता है, डोला है, एरिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल है, जो कई इनके सप्रेसिव है, केवल सिम्टम्स को रिलीफ देती है, उसकी बीमारी को ठीक नहीं करती है, तो अगर इनिशियल स्टेज में आ जाता है तो जल्दी रिकवरी होती है और टेबलेट्स खा के आता है तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, 5-7 दिन का, और इनिशियल स्टेज में आता है 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस वक्त सर छोटी सी छोटी भी कोई बीमारी होगी किसी भी किसी भी मरीज को तो वो सबसे पहले एलोपैथी की तरफ भागते हैं, होम्योपैथी को कम प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं होम्योपैथी का जो क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है? देखो इसका एक ही मैंने पहले भी बताया कि सरकार इसको लेकर प्रचार प्रचार करे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार होम पे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। दूसरा, गवर्नमेंट के सेक्टर में जब तक काम नहीं होगा लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता है। एलोपैथी के सिस्टम में लोगों का इसलिए विश्वास है कि लगातार वह सुविधाएं बढ़ती जा रही है, लगातार हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, लगातार हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। अगर ऐसे होम्योपैथी के लिए सरकार करें तो लोगों को कहीं कहीं फायदा मिलेगा। हमने भी हमारे होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से पिछले 1 महीने में होम्योपैथी अवेयरनेस कैंप लगाकर पूरे राजस्थान में लगभग 20,000 मरीज देखे हैं जिनको इम्यूनिटी बूस्टर की दवाई पिलाई गई है। तो सरकार की ओर से कहीं कहीं प्रयास करने की जरूरत है। दूसरा, इस समय क्या हो रहा है कि लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद में उनको फीवर आता है जो नई चीज़ नहीं, हर साल होता है, अपन बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो उनकी स्किन के इरप्शन होना है, बुखार आना नॉर्मल सी चीज़ है, इसको लेकर डरना नहीं है। इस समय आपको उस समय कोई टैबलेट्स वगैरह नहीं खाना है, आप सामान्य परहेज रख के भी ठीक हो सकते हैं और अगर होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो वैक्सीन के बाद में बुखार आता है उसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है, फिर बुखार आ रहा तो वैक्सीन नहीं लगवाना, इन सब चीज़ों पे हमको थोड़ा सा ये भय है, ये जो भ्रांति है उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। और अगर वैक्सीन लगने के बाद में भी आपको बुखार आ रहा है तो होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सर अभी कोरोना की दूसरी वेव तो आई चुकी है, आगे भी और वेव आने के अभी आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या कुछ घर रह के एहतियात बरतने चाहिए? जैसे सरकार ने नियम बनाया है, मास्क है जरूरी, मास्क सबको लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, अपने खान पान में अपन को ध्यान रखना है, ठंडी चिकनी चीज़ नहीं खाना है, गुनगुना पानी पीते रहे, अपने जो घरेलू नुस्खे हैं तुलसी अदरक वाले चाय वगैरह वो आप लेते रहे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस समय अगर कोरोना के वैश्विक महामारी से अपन को जल्दी उभरना है तो कहीं ना कहीं अगर सरकार होम्योपैथी को अपनाती है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर सरकार होम्योपैथी पर पूरा फेथ रख के पूरा विश्वास रख के राजस्थान में या जयपुर में कोई ऐसा हॉस्पिटल खोल के जो पेशेंट है उनको एडमिट करके ठीक करती है तो कोविड से जल्दी मुक्ति ले सकते हैं, नहीं तो ये लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों की पिछले साल भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई थी, अब लगातार लॉकडाउन के कारण से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके कारण से बड़े हॉस्पिटलों में जाने से डर रहे हैं, और होम्योपैथी ईजी है और बिना साइड इफेक्ट की है, जल्दी रिकवरी करती है और आराम से इसको कोई ले सकता है क्योंकि इसकी लागत बहुत कम होती है और जल्दी रिकवरी है, बिना साइड इफेक्ट के इसको कोई भी ले सकता है, बच्चा बूढ़ा आराम से, लेने का तरीका बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसको लेकर अगर सरकार और आमजन प्रयत्न करते हैं और लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है तो आराम से ठीक हो सकते हैं। सर आपको भी पूरा 1 साल हो गया मतलब कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, आपका क्या कुछ अनुभव है, अब तक कितने पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं? लगभग 2200 से अधिक इस प्रकार के कोविड पेशेंट ठीक कर चुका हूँ मैं, और इसका लीगल डाटा है अपने पास में, पेशेंट्स के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है कि आपकी दवाई हमको जल्दी ठीक कर रही है, और सेकेंड वेव में भी हमारे पास लगातार पेशेंट आ रहा है, अभी हम क्लिनिक्स पे हॉस्पिटल्स पे कोविड पेशेंट देख रहे हैं और एहतियात के साथ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिम्टम्स आने पर अगर निकटतम किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से अपने सारे सिम्टम्स, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम सिमिलरिटी बहुत जरूरी है, जब तक आप अपने सारे सिम्टम्स नहीं बताएंगे जब तक आपकी आपको दवाई नहीं मिलेगी तो इलाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे बुखार की भी 1,000 दवाइयाँ हैं, सिरदर्द की भी 1,000 दवाइयाँ हैं, तो जब तक सिम्टम सिमिलरिटी नहीं होगी आपका इलाज नहीं होगा, इसलिए आपको सिम्टम्स का डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है तो आराम से सारी चीज़ ठीक होती है। और होम्योपैथी तो होलिस्टिक अप्रोच है, चाहे कोरोना क्या, पहले भी सार्स है, हैजा है, स्वाइन फ्लू जैसी वैश्विक महामारियों में भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है, आज भी बहुत सारे विदेश हैं जहाँ भी दूसरे देश है जिन्होंने होम्योपैथी को अपना के अपने आप स्थिति को कंट्रोल कर लिया, तो आयुष मंत्रालय भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि कम लागत में बहुत अच्छा काम हो सकता है, सरकार का बहुत सारा खर्चा बच सकता है और लोगों को जल्दी रिकवर हो सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी, जिन्होंने होम्योपैथी के बारे में काफी कुछ बताया है, होम्योपैथी के जरिए कोरोना पेशेंट्स बहुत जल्दी और कम लागत में ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।